अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें 2 kg गाजर कद्दूकश की हुई, उसके साथ हमें चाहिए 1 लीटर मिल्क, किशमिश, बादाम, खोपा और ग्रीन इलायची। उसके साथ हमको बटर चाहिए, बटर 100 से 150 ग्राम, और हमें 1 कप शुगर चाहिए। आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कद्दूकश की हुई गाजर को आप खुले पतीले में डालकर बटर के साथ पानी खुश्क होने तक पकाएं। इसको ऊपर से ढक दें और 15 से 20 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर चेक करें। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर दूध शामिल करें। दूध शामिल करें और चम्मच साथ लाते रहें, को खुश्क होने तक पकाएं। जब देखें दूध खुश्क होने लगा है तो उसके अंदर सब्ज़ इलायची शामिल करें। सब्ज़ इलायची से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। उसके बाद जब दूध खुश्क हो जाए तो उसके अंदर शुगर शामिल करें। शुगर को शामिल करके आंच धीमी कर दें। शुगर को अच्छी तरह से पकाएं। शुगर उसके अंदर अच्छी तरह हल हो जाए। अब आप देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है और गाजर का हलवा बहुत अच्छे से बुन भी गया है। अब इसके अंदर खोया मिक्स करते हैं और खोया इसके अंदर डाल के 5 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पकाएंगे और उसके बाद हमारा गाजर का हलवा तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, शुक्रिया।